हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन टाली चैट। आई एम अंकर यश, आपके साथ आपको एक एंटरटेनमेंट की न्यूज देने के लिए। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है अमिताभ बच्चन होस्टेड केबीसी सीजन 15 की। दोस्तों, जहां पर हमारी हरियाणा की पिंकी बहन जो है वो कौन से सवाल पर आकर रुकती है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले टैप ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ एवरीवन। कहानी कुछ ऐसी है कि यार, केबीसी 15 सीजन के ऊपर अमिताभ बच्चन एक खुलासा कर रहे हैं कि उनके सबसे फेवरेट एक्टर कौन है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा की पिंकी जो है वो फिलहाल हॉट सीट पर विराजमान है और वो एक सर्टेन क्वेश्चन पे आकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। आपको बता दें कि वो 12,50,000 तक तो पहुंच गई है, लेकिन उससे आगे जाने के लिए दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। लेकिन जब 12,50,000 के ऊपर उसके लिए एक सवाल आता है कि पहले जब दिलीप कुमार साहब जो थे, दिलीप कुमार साहब ने जब दिलीप कुमार नाम लिया, उससे पहले यूसुफ खान जो उनका असली नाम है, उससे पहले उनको फिल्म इंडस्ट्री में कौन सा नाम दिया गया था, दैट वॉज द क्वेश्चन। और जिसका आंसर वो नहीं दे पाए और वहां पर उन्होंने शो को क्विट करने का डिसाइड किया, क्योंकि ऐसा कहा गया था बाय द एबी कि अगर आपने गलत आंसर किया तो आपको बट ऑब्वियसली बहुत कम राशि लेकर जाना पड़ेगा। और तभी उन्होंने कहा कि मैं शो को क्विट करूंगी और जो जितने पैसे पर वो पहुंची थी 6,40,000 वही वो लेकर जाएगी। लेकिन फिर भी एबी ने उन्हें बताया कि आप गेस तो करिए कि क्या आंसर था। तो उन्होंने गेस किया और आंसर गलत निकला, क्योंकि राइट आंसर वॉज जहांगीर, कि दिलीप कुमार से पहले यूसुफ खान का नाम था जहांगीर। दोस्तों, हालांकि आपको बता दें कि उनको तीन नाम की चॉइस दी गई थी। पहला नाम था वासुदेव, दूसरा नाम था जहांगीर और तीसरा नाम था दिलीप कुमार। तो उन्होंने दिलीप कुमार नाम का है वो चूज किया था। आपको बता दें कि उन्होंने जहांगीर नाम चूज तो नहीं किया था, लेकिन एक फिल्म के लिए जो जिसका नाम था मुगले आजम, वहां पर उन्होंने जहांगीर का रोल भी किया था। दोस्तों, इस नाम की पसंद की उन्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उन्हें एक फिल्म के लिए कास्ट किया जा रहा था और तभी यूसुफ खान नाम बदलकर उन्हें एक और नाम रखना था। और तभी अमिताभ बच्चन ने बताया कि मेरे सबसे बेहतरीन और फेमस जो एक्टर है जिनका मैं फैन हूँ वो है दिलीप कुमार, और जब भी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तब उसके सुवर्ण पन्नों पर हर बार दिलीप कुमार का नाम होगा ही होगा। दोस्तों, तो ये कहानी थी आज के इस वीडियो की, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बी ऑन टेली चैनल।